मैं कहती हूँ कि परफॉर्मेंस अमेजिंग रही है, और इतना अच्छा परफॉर्म कर कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आती है यार। वैसे इनकी दाद देनी पड़ेगी, माशाल्लाह। वाह 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 नोकिया, कर तू 11 कर तू। नहीं नहीं नहीं, सबर करे सबर करे। लेकिन ये आखिरी ओवर में जो कसाई पुना किया जनाब शेफर्ड ने, और शेफर्ड जनाब बन गए बुचर, तो उन्होंने आखिरी ओवर में जो 32 रन ठोके नोकिया को, ये नोकिया तो भाई दूसरी टीमों के लिए खेल रहा है। ये दिल्ली कैपिटल को कुछ सोचना पड़ेगा भाई। दुनिया में जब मतलब लोग मम्मी पापा बनते हैं तो वो और भी खुश होकर आते हैं और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये जनाब जब से पापा बन के आया ये तो कुट ही खाई जा रहा है। तो जनाब फाइनली मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2024 की पहली जीत जो है मिल गई है। वैसे कप्तान साहब ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं हुई थी हराने की, लेकिन रोहित शर्मा की कमाल की परफॉर्मेंस, शेफर्ड की लास्ट ओवर में कमाल की बैटिंग, फिर टिम डेविड की कमाल की बैटिंग और जसप्रीत बुमराह की लाजवाब किस्म की बॉलिंग की वजह से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 का अपना पहला मैच जो है बड़े अच्छे तरीके से जीती है। आज 10 लड़के जीतने के लिए खेल रहे थे, एक लड़का अभी भी अपनी पुरानी गेम खेल रहा था। मुंबई इंडियंस की शानदार किस्म की जीत, मुबारकबाद हो मुंबई इंडियंस को। फाइनली इन्होंने जो हार की रवायत को कामयाब किया हुआ था लेके चल रहे थे, उस लेगेसी को तोड़ा गया, और वो भी इनके कैप्टन ने नहीं, इनके प्लेयर्स ने खुद इनको कुछ हुआ कि नहीं हमने जीतना किसी तरीके से जीतना। और मैरियो शेफर्ड को सारा सारा क्रेडिट जाएगा, जो उस बंदे ने अगर वो आखिरी ओवर के अंदर 32 रन ना मारता, अगर वो एंड के ऊपर ऐसी बल्लेबाजी ना करता तो ये मैच तो दिल्ली ने जीत जाना था, क्योंकि ये टारगेट इतना होना था, ये टारगेट मैक्सिमम 205 210 का होना था और दिल्ली ने बड़े आराम से कट जाना था। ये कहते हैं कि भोलेनाथ के दर पर अगर सच्चे मन से कुछ मांगने जाएं आप तो बाबा खाली हाथ नहीं लौटाते। हार्दिक पांड्या को भी हार्दिक जीत के साथ उन्होंने मौका दे दिया। आईपीएल 2024 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जो है वो जीता दिल्ली के सामने। हालांकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि दिल्ली एक कमजोर टीम है, लेकिन ये मैच बुमराह के कमाल, शेफर्ड के धमाल और ऋषभ पंत की एक गलती के चलते खत्म हो गया, क्योंकि मैच में बहुत डिफरेंस नहीं था। 234 रन 5 विकेट पर मुंबई ने बनाए थे, जिसमें आखिरी ओवर का वो कमाल था, और दिल्ली भी जो है जैसे तैसे 205 तक पहुंच गई थी। ऋषभ पंत अगर शायद पोरेल की जगह खुद आते और थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होते तो ये मैच की सूरत पलट सकती थी, लेकिन ये मैच की सूरत नहीं पलटी क्योंकि बुमराह ने बताया कि वो गोट हैं यार, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यार। आप खुद सोचिए ना, एक ऐसा मैच जिसमें एक टीम ने 234 ठोका, दूसरे ने 205 ठोका, वहां बुमराह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिया। पृथ्वी शॉ जब तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी हमने कहा था कि यार बुमराह के सामने मारो तब बात है, क्योंकि बुमराह अक्सर बड़े बड़े तुरमखाओं को आसानी से आउट कर रहे थे, और जिस बॉल पर उन्होंने बोल्ड मारा कमाल थी यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और जबरदस्त थी। हालांकि मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पूरा जुगाड़ कर रखा था कि ये मैच जीतना भी है और इस मैच में बू नहीं सुनाई पड़ा। 200 जो है वो 34 रन मुंबई इंडियंस ने बनाए हुए थे 4 विकेटों के नुकसान पे, 5 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है 205 रन ही बना सकी है जो है वो 20 ओवर्स में। और कहीं ना कहीं जो है ऋषभ पंत की गलतियों की वजह से भी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये रन जो है चेज नहीं कर पाई है। वैसे मुंबई की बात करें, पहले बैटिंग मुंबई इंडियंस को मिल गई और रोहित शर्मा आज बिल्कुल मूड में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रोहित शर्मा सेंचुरी बनाने के चक्कर में है, वो एक सिंगल लेने के चक्कर में, आखिरी बॉल कि भाई मैं सिंगल ले लूं तो रोहित शर्मा इस चक्कर में आउट हो गए, नहीं तो शायद इस बॉल को भी रोहित शर्मा हिट करते ना तो जो है वो अक्षर पटेल की वो बॉल विकेट तक ना पहुंच पाती। लेकिन रोहित शर्मा क्या कमाल खेले, 181 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 6 चौके, 27 बॉलें 49 रन, वेल डिजर्विंग जो है वो 50 मिस हुई है। ईशान किशन 23 बॉलें 42 रन, 2 छक्के 4 चौके, ये भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सूर्या कुमार यादव कोई अच्छा कमबैक नहीं हुआ है इनका, जो है वो 2 बॉलों पे 0 बना के ये भी जो है वो आते 7 आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भाई साहब, कप्तान साहब ने कसम निकाली हुई है कि मैंने जो है वो 120 से ऊपर अपना स्ट्राइक रेट लेके ही नहीं जाना है। आज फिर हार्दिक पांड्या जो है वो 33 बॉलें 39 रन, 3 चौके, 1 छक्का, 118 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या ने तकरीबन जो है वो अपनी बैटिंग से ये मैच जो है मरवा ही दिया था, लेकिन उसके बाद टिम डेविड ने जो कमाल की बैटिंग की ना, 21 बॉलें 45 रन, 4 चौके, 2 छक्के। वैसे हार्दिक पांड्या जितना स्लो खेले हुए थे ना, टिम डेविड की इस बैटिंग के बावजूद मुंबई इंडियंस का इतना ज्यादा रन नहीं था, लेकिन आखिरी ओवर में जो रन पड़े ना भाई,
उसकी वजह से जो है वो मुंबई इंडियंस का जो रन है ना वो जो है बहुत ही जो है वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुंबई का रन जो है वो इस लेवल तक पहुंच गया कि दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त हुई है। 32 रन आखिरी ओवर में जो है नॉर्जिया के जो है वो शेफर्ड ने लगाए भाई। पहले बॉल पे चौका, छक्का, 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 फिर चौका, फिर छक्का, यानी कि बिल्कुल मार मार के बकरी बना दिया। और ये नॉर्जे यार क्या इसकी स्पीड का क्या फायदा है कि तुम जो 150 की स्पीड से बॉल कर रहे हो, जो आता है तुम्हें मार मार के बकरी बनाता है। पहले हमने देखा कि रियान पराग ने इसको मारा, फिर MS धोनी ने भी इसको धो डाला। अब अगर देखा जाए तो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में जो है इसको 32 रन मार डाले। ये दूसरा जो हारिस राउफ है पाकिस्तान की जानब से, जैसे हारिस राउफ पेस इतने ज्यादा दौड़ के दगड़ दगड़ दगड़, वो छक्का, ये चौका, वो छक्का, यानी कि कोई समझ नहीं। ऐसे ही जाओ, ये नॉर्जे की भी बात है, इस IPL में बहुत ज्यादा इसकी धुलाई हुई है, ठीक है। बहरहाल जो शेफर्ड ने अगर देखा जाए तो 10 बॉलों पे 39 रन, जिसमें जो है 4 छक्के, 3 चौके, 390 का स्ट्राइक रेट। एक तरफ जो है वो 39 रन हार्दिक पांड्या ने 33 बॉलें खेल के बनाए, दूसरी साइड शेफर्ड ने जो है वो 10 बॉलें खेल के 39 रन बना लिए। और जो है उनकी जनब से अगर देखा जाए तो बहुत महंगे जो है साबित हुए नॉर्जे। 4 ओवर्स में जो है 65 रन, इनकी इतनी ज्यादा धुलाई। अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली हैं, 35 रन उन्होंने भी दिए। जब बारी आई मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस का पहले स्टार्ट में तो ऐसा लगा ही नहीं यार कि जो है वो 200 प्लस रन जो है चेस कर रहे हैं, कोई इतना स्ट्राइक रेट ही नहीं था इनका। वार्नर की बात करें, 8 बॉलें 10 बना के जो है वार्नर साहब आउट हो गए। फिर अगर देखें तो इसको भी शेफर्ड ने ही आउट किया। उसके बाद जो पृथ्वी शाह थोड़ी अच्छी बैटिंग की, 40 बॉलें 66 रन, 8 चौके, 3 छक्के, लेकिन ये उस वक्त तक कर रहे थे जब तक खतरनाक जसप्रीत बुमराह बॉलिंग पे नहीं थे। जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग पे आना और पृथ्वी शाह का बाहर जाना, क्या लाजवाब किस्म का जो बुमराह ने जो है वो यॉर्कर लगाया यार, यकीन माने अनप्लेएबल बॉल था वो। और बिल्कुल बुमराह, आप देखें ये बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब यकीन माने दुनिया की कोई जो है वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट, ODI, T20, इस बंदे ने जो है वो डोमिनेट वहां पर करना ही होता है। आज आप देखें फिर से जो है 4 ओवर्स 22 रन 2 विकेटें। अब आप देखेंगे एक ऐसा मैच जहां पर जो है वो एक टीम 232 बनाती है, 234 बनाती है, दूसरी टीम 205 तक पहुंच जाती है। वहां पर जो मुंबई को बचाया है ना वो रोमारियो के रन ने बचाया, क्योंकि रोमारियो ने क्या कर दिया भाई ये लास्ट ओवर में, मतलब 4 छक्के, 2 चौके। रोहित शर्मा जो इनकाउंटर करने के मूड से आए हुए भाई, हम तो वेट कर रहे थे कि रोहित शर्मा की 50 हो, की तरफ से खेलना चाह रहा था। जो चाह रहा था कि मुंबई इंडियंस आज भी ना जीते वो है हार्दिक पांड्या। खेले, रन भी किए, 30 प्लस रन किए, लेकिन अगर आप बॉल देखेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस। जहां पे हर बंदे का स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट आप देखे क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट आप देखे क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, टिम डेविड को देखे, चले सूर्य कुमार यादव का आज कमबैक था आते साथ आउट हो गए, तिलक वर्मा जिसको कहते हैं ना आते साथ आउट हो गए, बाकी लड़कों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। मैरियो को, शेफर्ड को देखे, और हार्दिक पांड्या ने खुद क्या किया। हार्दिक पांड्या मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो कौन से हार्दिक पांड्या बन गए। लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, विराट कोहली स्लो खेलता है, इधर तो देखो जरा, इधर तो नजरें फैलाओ जरा, इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी मुंबई को हराने की। लेकिन अच्छा हुआ मुंबई इंडियंस जीती, बड़ी टीम है, बड़े मैचेस की टीम है, उनका जीतना जरूरी था। ये जीतेगा तो टूर्नामेंट और खतरनाक होगा, मुंबई के फॉर्म के अंदर आना बड़ा ज्यादा जरूरी था। गैरेट कोर्टिया की जो विकेट मिली, खैर उनको विकेट मिल गई आखिरी ओवर जो उन्होंने किया था, एंड के वो विकेट भी लेके चले गए, लेकिन नॉर्मल थे। मैं समझता हूँ ये मैच का जो असल डिफरेंस आना वो सिर्फ और सिर्फ वो आखिरी ओवर में 32 रन थे और सेकंड लास्ट के अंदर 19, वो जो 51 रन लास्ट 12 बॉल के वो पड़े ना मुंबई इंडियंस ने जो मारे हैं, दिल्ली वहां से मैच हार गया। आप लोग कहते हो RCB की बॉलिंग वर्स बॉलिंग है IPL की, मेरे मैच ये समझता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ लगातार 2 मैचेस के अंदर 230 प्लस रन खाना, दिल्ली की बॉलिंग सबसे ज्यादा बुरी है। हालांकि आज तो 2 ओवरसीज बॉलर खिलाए थे, आप इनकी बॉलिंग को देखिए, कोई हल्की बॉलिंग लाइनअप नहीं बनती। अक्षर पटेल एक बड़ा नाम इसके अंदर आता है, कुलदीप यादव जिसको कहते हैं आजकल नजर नहीं आ रहे वो भी एक बड़ा नाम है, ईशांत शर्मा एक बड़ा नाम है, एनरिक नोकिया एक बड़ा नाम है, इसी के साथ साथ जाय रिचर्डसन जो खेल रहे थे वो एक बड़ा नाम है, पिछले मैच में अवेश खान जिसको कहते हैं वो भी एक बड़ा नाम है। हर बंदा बड़े नाम इनके पास खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी बॉलिंग को अगर आप देखें और फिर RCB की बॉलिंग को देखिए, मैं कहूंगा इनकी बॉलिंग ज्यादा गंदी है, RCB की फिर मच बेटर बॉलिंग है। अलबत्ता मुबारकबाद हो मुंबई इंडियंस को, शानदार किस्म की। मैं समझता हूँ इस मैच की जो जीत की असल वजह थी ना वो था ओपनिंग स्टैंड, जिस तरीके से पावर प्ले के अंदर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने बल्लेबाजी की है ना, वो जो उन्होंने स्टार्ट दे दिया
उसके बाद बेशक हार्दिक पांड्या ने बड़ा स्लो खेला, हालांकि आज 270-280 मार सकते थे, आराम से मार सकते थे अगर पांड्या साहब थोड़ा तेज खेल लेते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा स्ट्राइक को नीचे शेफर्ड ने धुल दिया क्योंकि 10 बॉल पर 39 रन की जो उनकी पारी थी वो एक्सप्लोसिव पारी थी, और ऐसी पारी थी जिसके बारे में चर्चाएं लंबे समय तक की जाएंगी। तारीफ इस मैच में क्रिस्टियन स्टब्स की भी होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली कमजोर लग रही थी, दिल्ली के जो कंधे थे झुके हुए थे, लेकिन स्टब्स ने 25 गेंदों पर 71 रन बनाए, 3 चौके 7 छक्के, और 23 साल का लड़का जिस तरह से बल्लेबाजी करते नजर आया, हार के बावजूद उसकी चर्चा होनी चाहिए और उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच दिल्ली के हाथ से चला गया 16 ओवर के बाद, क्योंकि 14 ओवर तक दोनों टीम बराबर थी। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली का स्टार्ट देखेंगे तो वो 14 ओवर तक ज्यादा बेहतर खेल रहे थे, लेकिन वो जो आखिरी के 4 ओवर थे वहां पर मैच पलट गया। 17वें ओवर में दिल्ली को 17 रन पिटे, 18वें ओवर में 16 रन पिटे, 19वें ओवर में 19 रन, और जो लास्ट ओवर था खास तौर पर जिसमें 32 रन पीटे गए, दैट वॉज द गेम चेंजिंग फैक्टर, और वही दोनों टीम में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या कमाल के छक्के चौके जो है वो नौके को मारेंगे, और बड़ी बात यह कि नौके को सब मार रहे हैं, मतलब रियान पराग मार रहे हैं जो लड़के हैं, MS धोनी मार रहे हैं जो वेटरन हैं, और यहां पर भी उनकी उतनी कुटाई हुई है। 4 ओवर 84 रन अगर आप बनाते हैं आखिरी के, तो फिर ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और वो दिखाई पड़ा। पहली पर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, आई थिंक बहुत ही क्लीन हिटिंग थी, और इसी वजह से रोमारियो सेफर्ड जो हैं उन्होंने अपने नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया कि वो खिलाड़ी जिन्होंने कम से कम 10 बॉल खेली है उसमें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन जनाब का हो गया है, जो शानदार है। रोमारियो शेफर्ड 390 का स्ट्राइक रेट था, इससे पहले जो बेस्ट स्ट्राइक रेट था 10 बॉल खेलकर कम से कम वो पैट कमिंस के नाम था 373 का, एवी डिविलियर्स के नाम था 372 का, लेकिन इन सारे रिकॉर्ड से बेहतर रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बना दिया है। अगर आप मुंबई की पारी को डिकोड करेंगे तो पहले 15 ओवर में 138 रन थे, शुरुआत में रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दी थी, लेकिन ऐसा लगा कि रोहित शायद वो एक रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, मतलब रोहित शर्मा 22 या 23 बॉल पर 49 रन थे और फिर 3 डॉट बॉल और चौथी पर बोल्ड, वो एक रन के चक्कर में उन्होंने विकेट गंवाया। उसके बाद हार्दिक की वो स्लो पारी 15 ओवर में 138 रन, लेकिन फिर आखिरी के 5 ओवरों में जो आतिशबाजी दिखाई पड़ी उसके चलते मुंबई जो है उसका जलवा जला लिया। आखिरी के 5 ओवरों में IPL की हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें मुंबई का ये रिकॉर्ड सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि RCB 112 रन ठोक चुकी है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। MI ने 96 बनाए हैं इस मैच में, और MI के ही 96 थे पंजाब के सामने, तो ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है कि मुंबई इंडियंस में दम है। बुमराह इस IPL में कमाल रहे हैं, पहले मैच में 14 पर 3 विकेट, दूसरे में 36 पर 0 थे, 26 पर 0 थे, इस मैच में 22 पर 0 थे, तो यानी बुमराह इकोनॉमिकल भी हैं, और T20 क्रिकेट हो या ODI क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, बुमराह से बढ़कर कोई नहीं है, बुमराह जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा कोई नहीं। इस मैच में तारीफ पृथ्वी शॉ की भी होनी चाहिए, पृथ्वी शॉ जब से लौटे हैं तब से काफी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्लेयर वो बन रहे हैं, और 31 बॉलों पर अर्धशतक लगाया उन्होंने, कमबैक अच्छा किया, CSK के सामने 27 पर 43 थे, KKR के सामने फ्लॉप हुए, लेकिन MI के सामने फिर अच्छी बल्लेबाजी की 40 पर 66। हालांकि न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वो बुमराह के सामने नहीं चलेंगे, और क्वालिटी गेंदबाजों के सामने शॉट संघर्ष करते नजर आते हैं, मीडियम जो बॉलर्स होते हैं, एवरेज बॉलर होते हैं, वहां पर उनका जलवा जो है वो अलग तरीके से नजर आता है। लेकिन MI की पारी 3 टुकड़ों में देखी जाएगी, पहला जबरदस्त 12.5 का स्ट्राइक रेट पहले 6 ओवर में, फिर मिडिल ओवर्स में संघर्ष 7.5 का स्ट्राइक रेट, और 16 के बाद एक डिस्ट्रक्टिव पारी 16 से 20 में 96 रन 1 विकेट। आई थिंक ये जो है ये सबसे शानदार था कि 246 रन SRH ने बनाया। अच्छा, इस IPL में आप ये भी देखिए, इस IPL में हाईएस्ट रन जो है वो भी लगातार बनते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है वो बनते जा रहे हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, 200 प्लस के मामले में भी मुंबई जो है वो थर्ड पर पहुंच गई है, सबसे ज्यादा CSK ने 29 बार, RCB ने 24 और MI ने 24 बार बनाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जीत के बाद ये टीम ट्रैक पर आएगी, या अभी जब RCB और CSK से मुकाबला को देखना होगा? मुझे बुमराह जैसा बॉलर आके जो है वो 4 ओवर्स में 22 रन देके 2 विकेटें लेता है, तो इससे कमाल की बॉलिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत कमाल की जो है बुमराह ने जो है बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की। साथ में अगर देखा जाए तो शेफर्ड की धुलाई हुई है, 4 ओवर्स में 54 रन इसको भी पड़े हैं, लेकिन जो है वो अगर ना तारीफ करें हम जो है वो इस लड़के की स्टब्स की, तो बड़ी नाइंसाफी होगी। 25 बॉलें 71 रन 3 चौके 7 छक्के, आखिरी ओवर में इसको बैटिंग नहीं मिली, अगर मिल जाती तो शायद और क्लोज जा सकता था मामला, और शायद मैच में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है ये,
कुछ भी हो जाता। दूसरी साइड से अभिषेक पुरेल 31 बॉलें 41 रन। ये मुझे ऐसा लगता है इससे पहले ऋषभ पंत को खुद आना चाहिए था, ऋषभ पंत ने इसको पहले भेज दिया, इसने सारा कुछ जो है वो बिगाड़ के रख दिया। ठीक है इसने जो है वो 5 चौके लगाए लेकिन 31 बॉलें 41 रन जहां पर आप जो है 234 चेस कर रहे हैं तो ये जो है वो फिर जो है काबिले कबूल नहीं था। ठीक है तो इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो हुआ ऋषभ पंत से थोड़ी गलती हुई है। बहरहाल जो है वो बहुत अच्छी जो है बॉलिंग जो है वो देखने को मिली है। कॉट्जी ने जो है 4 विकेटें ली हैं और जो है वो 4 ओवर्स में 34 रन देके इस तरह से जो है वो मुंबई इंडियंस जीत गई। और आज कोई बू देखने को नहीं मिला है भाई वहां पर हार्दिक पांड्या को, क्योंकि आज जो है वो स्कूल के बच्चे जो है लाए हुए थे 12,000 थे मेरे ख्याल में वो, तो आज कोई जो है वो सेटलमेंट की हुई थी अंबानी वालों ने मुंबई वालों ने, तो शायद इसी वजह से हमें नजर नहीं आया। लेकिन आज कोई वो चीज़ नहीं देखने को मिली। आप देखना यह है कि आगे जो है वो CSK के खिलाफ मैच होगा या और मैचेस होंगे उनमें क्या ऐसा हो पाएगा, क्या रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। बहरहाल दूसरी साइड अगर देखा जाए ना, दूसरा जो मैच जारी है इसमें KL राहुल ने बड़ा गंद किया है यार, इसकी मुझे समझ नहीं आती। कभी ये खेलता है भाई तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट, और ज्यादातर ये बंदा जो है 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा होता है। आज देखेंगे कप्तान है KL राहुल साहब, 31 बॉलों में 33 बना के आउट हुए हैं, पावर प्ले की सत्यानाश की, और उसके बावजूद जो आप बाद में भी जो है वो उस तरह से नहीं खेल पाए, और 31 बॉलें 33 रन 3 चौके 106 का स्ट्राइक रेट यार T20 में IPL में ये जो है काबिले कबूल नहीं है। डीकॉक एक छक्का लगा के आउट हुए। बाकी अगर देखा स्टाइनिस ने जो है वो 58 रन 43 बॉलें, ये भी जो है रन बॉल ही पहले जा रहा था, बाद में कुछ जो है वो इसने एक दो छक्के लगा के जो बराबर किया। तो अभी जो है ये मैच जारी, आप देखना ये पूरन बैटिंग पे आ गया भाई, तो ये जो है वो क्या करते हैं सारी ऑडियंस मुंबई इंडियंस की आएगी। ये क्या हुआ, हम तो वेट कर रहे थे कि रोहित शर्मा की 50 हो। शिट यार अक्षर पटेल की बहुत जबरदस्त ओवर डाला, ये वाला मास्टर आ रहा है मुझे अंदर से ना, अजीब सी है ना वो। आप ये देखो ना, 3 तो डॉट्स बॉल थी उसके बाद एक पे विकेट आ गई। अबे मुझे भी वो हो रहा है मम्मा, आपका रोहित शर्मा मैं ताली। मम्मा इतनी देर से ना खामोश बैठी थी, रोहित शर्मा की इनिंग देख रही थी। बहुत गंदी बॉल कट गई असल में। मम्मा ने बोला जब तक 50 नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ताली बजाने के लिए आई थी क्लैपिंग करने, मैंने कहा बस एक रन के बाद करनी है। कोई नहीं, चलो रोहित शर्मा का अच्छा इंटेंट है, अच्छा खेल के गए, बैक टू बैक 3 चौके भी आए। जो भी ये बंदा दिल से खेलता है और बस मारता है भाई, खत्म। 49 रन 27 बॉल्स पे, एक रन दूर थे अपने 50 से खाली, 50 करने। और सूर्य कुमार यादव आ गए भाई। ओह अच्छा, सूर्य कुमार यादव, हाँ इनका पढ़ा था कि फिट हो गए। अच्छा, और ये देखते हैं क्या करते हैं, काफी टाइम के बाद खेल रहे हैं ये भी मेरे भाई। मैं एक बात बताऊं, देखो रोहित शर्मा इतने ही रन करने वाले बंदे, आपको उन्होंने शुरू में एक दे दिया मोमेंटम, 40-45 कर जाते हैं इस तरह से। मुंबई इंडियंस को चाहिए कि उस मोमेंटम को कैरी करके चले, वो 7 ओवर में आपकी टीम को 80 रन पे खड़े करके चले गए भाई, उन्होंने ही किया है ना, बात ही अच्छी कर दी। 50 रन तो है ही उनके सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, तो फिर उसको कैरी करो बस। स्टार्ट इतना खूबसूरत, ओपनर का काम यही होता है यार, ओपनर का काम 70-80-90 रन इतना ही करना होता टीम के लिए, उससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। सूर्य कुमार यादव इसका आ गए हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। सूर्य कुमार यादव का पहला ही मैच था IPL का और ये विकेट हो गई है और 0 रन है, ये बहुत बड़ी विकेट है यार। देखो मैं इससे पहले क्या जिक्र कर रहा था, मुंबई इंडियंस को चाहिए कि कैरी करके चलिए मोमेंटम को, खत्म। अब देखो ना यार इसने कैरी को अच्छा पकड़ा उल्टा मुंह करके। तुमने इस वक्त ब्लू पहना हुआ है लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है कि तुमने किसको सपोर्ट कर रहे हो, ये तो मैं एंड में बता रहा तुम, ठीक है? बात दबा दो। तो ये पूरी आवाम ने कंफ्यूज किया हुआ, सब पूरी आवाम ने ब्लू पहना हुआ क्या? पांड्या क्रीज पर मौजूद आ गए हैं, मतलब दूसरे पिच पे क्या हुआ है। अक्षर पटेल आउट तो कर रहा है लेकिन अब ये देखो सेट बैट्समैन को आउट कर रहा है, रोहित शर्मा सेट, ईशान किशन अभी सेट हो गया था, अभी ताजा छक्का मारा था यार। और ये देखो क्या कैच, देखो कितना खतरनाक पकड़ा यार, अब ये देखो गुड बॉलिंग अक्षर पटेल, VIP किस्म की बॉलिंग कर रहा है, खतरनाक किस्म का डेविड खेल रहा है, और डेविड भी और हार्दिक पांड्या का भी खेल रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई एक पार्टनरशिप और चाहिए, मोमेंटम चाहिए, और वो आज मैं ये रिजवान वाला मोमेंटम तो नहीं है, रिजवान बना हुआ कोई बोलने वाला था, मोमेंटम ग्रैब करना है, मोमेंटम ग्रैब करना है। मुंबई इंडियंस अगर आप जीता है भाई तो ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस वजह से जीता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह फाइनली केम थ्रू फॉर मतलब मुंबई इंडियंस टुडे, और आज पहली दफा उसने IPL में बहुत आला बॉलिंग की, उसी के जो 4 ओवर थे ना उसने मतलब बैक ब्रेक कर दिया दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की यार मुझे अप्रोच समझ में नहीं आई भाई, साफ सीधी बात है, मतलब जिस तरह पृथ्वी शॉ शुरू हुआ है, मतलब वो बाद में तो उन्होंने रन किए लेकिन शुरू में जो मेन पावर प्ले होता है उसमें तो कुछ भी नहीं, 3 ओवर में 15 रन कर रहे हैं यार, एक उन्होंने सेकंड गेंद पर छक्का मारा
कॉटजी को, उसके बाद जो है वो पूरे ओवर में एक रन, उसके बाद यानी ये वार्नर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी सीधी सीधी गेंद यूँ खेल रहे हैं वो, और तीन ओवर 15 रन कर रहे हैं, मतलब पावर प्ले में हार्डली 40 रन कुछ हुए, तो भाई फिर कहाँ से आप चेस करोगे यार, मुझे बता दो। 200 पे भी दिल्ली गेम में था, लेकिन वैसे आपस की बात है, 75 रन का पावर प्ले हो, 75 रन पावर प्ले और सातवें ओवर में 80 पे पहली विकेट गिर जाए, रोहित द हिटमैन शर्मा आउट हो, उसके बाद आते साथ ही दो बॉलें ली स्काई ने, वो भी चल पड़ा। अब मुझे समझ नहीं आई हार्दिक पांड्या आज ऊपर लेने के आया, जब तिलक वर्मा आपके पास मौजूद है, देखिए ना, या तो आपके पास तिलक ना हो फिर चले समय, तिलक वर्मा आपने कितनी दफा देखा है कि वो नीचे आएगा और वो जो है वो रिंकू सिंह बन जाएगा, नहीं बन सकता ना। बहरहाल कोई बंदा बात नहीं करता फॉरनर्स पे, एक्चुअली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मिस्टर रिजवान हैदर कि रिकी पॉन्टिंग इज अ सुपर फ्लॉप विद दिल्ली कैपिटल सिंस लॉन्ग। इसकी जो टीम सिलेक्शन होती है माजरत खाना होती है, बिल्कुल थर्ड क्लास आना होती है, ऑस्ट्रेलियंस पैक्ड हो जाते हैं। नजर आया इसके पास और कुछ चेंजिंग नजर आई जिसकी बेस के ऊपर, आज हमने देखा रोहित शर्मा ने भी छक्का चौका के साथ 49 स्कोर किया, उसके बाद अगर बात की जाए ईशान किशन की 42 और आई थिंक सो 43, उसके बाद एक सूर्य कुमार यादव के लिए कहने के हार्ट लग थी जो नहीं चल पाया, वो इंजरी से वापस इन थोड़ा बहुत चलता है उनके लिए, थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल गया। उसके बाद ऊपर से जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग बाय नन अदर देन रोहित शर्मा, फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियन, करंट कैप्टन ऑफ इंडिया, तो बहुत ही बेहतरीन 200 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग बारी खेली है, 200 के वाली, तो दो तीन गेंदें अक्षर पटेल की और फिर आउट भी हो गया, वरना 24 पे 49, तो 200 के स्ट्राइक रेट से फेंटी लग रही थी। He's amazing when he's in flow, तो फिर देखने का भी मजा आता है। 10 में 10 थे रोहित शर्मा के, 10 में 10 थे। अगली बार की बात करें, अगली 16 बालों में उसने 39 रन किए भाईजान, ये है रोहित शर्मा का। हाँ, 14 गेंदों में 39, तो वो इतने ऐसा लग रहा था हर गेंद ही चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का। ईशान किशन मतलब अच्छा था, 6-7 ओवरों में 80 रन और क्या चाहिए। यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे आके जो दिल्ली थी वो रह गई, हालांकि दिल्ली के पास विकेट्स भी थे, लेकिन एंड के ऊपर उन्होंने ऐसे विकेट्स को गवाया, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो एक बंदा ऐसा था जो दिल्ली की तरफ से खेलना चाह रहा था, जो चाह रहा था कि मुंबई इंडियंस आज भी ना जीते, वो है हार्दिक पांड्या। खेले, रन भी किए, 30+ रन किए, लेकिन अगर आप बॉल देखेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस, जहां पे हर बंदे का स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट आप देखें क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट आप देखें क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, टिम डेविड को देखें, चले सूर्य कुमार यादव का आज कमबैक था, आउट होगा, तिलक वर्मा जिसको कहते हैं आते आउट हो गए, बाकी लड़कों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, मैरियो शेफर्ड को देखे और हार्दिक पांड्या ने खुद क्या किया। हार्दिक पांड्या मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो कौन से हार्दिक पांड्या बन गए, लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, विराट कोहली स्लो खेलता है, इधर तो देखो जरा, इधर तो नजर फैलाओ जरा, इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी मुंबई को हराने की, लेकिन अच्छा हुआ मुंबई इंडियंस जीती, बड़ी टीम है, बड़े मैचेस की टीम है, उनका जीतना जरूरी था, ये जीतेगा तो टूर्नामेंट और खतरनाक होगा, मुंबई का फॉर्म के अंदर आना बड़ा ज्यादा जरूरी था, मतलब कोई सेंस नहीं बना। और फिर जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुआ तीन गेंदे खेल के, ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पता नहीं अजीब ही टाइप का उसका एक अंदाज था यार, जबकि वो जब आया बैटिंग खेलने के, बैटिंग करने के लिए, तो मतलब दिल्ली कैपिटल्स इन विद अ चांस टू विन द मतलब मैच टिल द 13th ओवर, दे वर नेक टू नेक विद 15th ओवर तक नेक, बल्कि दिल्ली आगे थी मतलब मुंबई इंडियंस से, लेकिन आई डोंट नो यार, अजीब ही टाइप का मे बी जो इतनी मार पड़ी है उनको, खास करके जो लास्ट ओवर में यार, आपको जब पता है कि एंड्रे नॉर्जे की फॉर्म नहीं है मतलब इस IPL में, वो इंजरी से रिकवर करके आ रहा है, वो हर लास्ट ओवर में मार खा रहा है, उसको क्या जरूरत थी भाई आपको लास्ट ओवर देने की। जब आपने देखा नोकिया ने पिछले मैच में भी एक ओवर में 25 रन दिए, खैर से 25 रन, आपने फिर उसका आखिरी ओवर रखा तो 32 हो गए। व्हाट इज रॉन्ग विद नोकिया, वी नो दैट ही इज अ गुड बॉलर। देखें बात यह है, सामने देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सामने डेविड या शेफर्ड होंगे, वो नोकिया को इज्जत देंगे,